हाँ जी दोस्तों, अज फिर देश भगत यूनिवर्सिटी दे विच एक लड़की का पोर्ट्रेट बनाने का मौका मिले। सब तो पहला फेस दी आउटलाइन, फोरहेड टू आईब्रोज, आईब्रोज टू नोज, नोज टू चिन दी मार्किंग मार्किंग करन तो उपरंत आईब्रोज में थोड़ा जहा डार्क किया, हेयर्स में प्रॉपर शेप देने की कोशिश की। हेयर पोर्ट्रेट की किस तरह है जिन्हों का पोर्ट्रेट मैं बना रहा लाइव स्केच, वो भी एक फाइन आर्ट के स्टूडेंट ने, तो वो जानते हैं कि लाइव स्केच बनाना कितना औखा है, तो इस चीज़ को फील कर रहे हैं। मार्किंग कर ली मैं, मार्किंग तो बाद में सामने बैठे मॉडल को दिखाया भी इस तरह मार्किंग की है। फिर हम नेक्स्ट मार्किंग मीन्स आईज, नोज, लिप्स, हेयर्स, फोरहेड, जॉ लाइंस दी ड्राइंग प्रॉपर करने की कोशिश की है मार्किंग दे विच। ते उस तो बाद नेक्स्ट थोड़ी जी पेंसिल शार्प करने तो बाद आईब्रोज एंड उस तो नीचे आईज बना रहे हैं। आईज ही पोर्ट्रेट दे विच मेन पार्ट होंगे, जिस तो ही बंदे की मेन पहचान हो जाती है। आईब्रोज की आई बॉल की ड्राइंग भी पूरी ध्यान में रख के बनानी पैंती है। डिफरेंस होंगे तो नक की जिहड़ी चौड़ाई लंबाई है पूरी ध्यान में रख के उसकी मार्किंग कर लेनी चाहिए है। पहला जिमें कि मैं स्केच में पहला एक अख बनाई, फिर नक की अख के बचकार जो ड्राइंग वो बनाई, तो उस तो बाद फिर दूसरी अख बनाई। तो हम नक बनाने की तैयारी चल रही है। नक की लेंथ के अकॉर्डिंग पहला मार्किंग कर लें, फिर उस तो बाद नक दियाँ जो होल्स ने उसनों ड्रॉ कर लेना चाहिए। अख और नक का डिफरेंस ध्यान में देखते हुए नक न ड्रॉ कर देना चाहिए।
लिप्स की ड्राइंग की मेन इंपॉर्टेंट गल आ जी मैं थोड़े नाल शेयर कर दिना। जो लिप्स की सेंटर लाइन आ जिथे दो लिप्स आके मिलते हैं वो वाली लाइन तुसी पहला ड्रॉ करो, वो ज़्यादा बेनीफिट रहेगी पोर्ट्रेट नूं बनाउण दे विच। मैं भी पहला ही सेंटर लाइन ही बनाउना हूँ। जो हेयर्स हैं ना वो भी उसी डायरेक्शन में बनने चाहिए जिस डायरेक्शन में हेयर की डायरेक्शन है। पेंसिल उसी डायरेक्शन में ही चलानी चाहिए। ये देखिए जिस डायरेक्शन में हेयर्स हैं, हेयर्स का फ्लो है, उसी डायरेक्शन में ही पेंसिल का फ्लो होना चाहिए। जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर से चलाना चाहिए। मैं पेंसिल को ब्लेंड करने की कोशिश नहीं करता। मेरा जो बनाने का स्टाइल है वो विदाउट ब्लेंडिंग, बिना किसी टूल के ब्लेंड किए हुए पोर्ट्रेट, लाइव पोर्ट्रेट बनाता हूँ। पोर्ट्रेट का असल मज़ा तब यह है जब पोर्ट्रेट में ड्राइंग दिखे और पेंसिल भी चलती हुई नज़र आए। पेंसिल का पता चलना चाहिए, यहाँ पेंसिल चली हुई है यहाँ पर। ये देखिए सिर्फ लाइन पर ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लाइन से ही शेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिना किसी मिक्सिंग किए बिना, बिना ब्लेंडिंग किए बिना मैं पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए मॉडल भी बड़े अच्छे ढंग से बैठा हुआ है, इसको कहते हैं फाइन आर्ट के स्टूडेंट। तो आपने देख ही लिया होगा कि मैंने बिना ब्लेंड किए सारा पोर्ट्रेट बनाया है जो कि अभी बन रहा है। असली पोर्ट्रेट की जो ओरिजिनलिटी है, उनकी मौलिकता है, वो पेंसिल से ही बिना ब्लेंड किए मेरे हिसाब से फाइन वर्क वो लगवा। पोर्ट्रेट का फील है वो मेरे
हिसाब से बिना ब्लेंड किए ही आता है, बाकी अलग अलग आर्टिस्ट की अलग अलग राय होगी। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लेंडिंग के खिलाफ हूँ, ब्लेंडिंग कर लेनी चाहिए। लीजिए तकरीबन पोर्ट्रेट हमारा कंप्लीट हो गया है, मैंने सेंड कर दिए। अब मैं लड़की का रिएक्शन लेने के लिए अपने मोबाइल से अलग से वीडियो बनाता हूँ, ताजो उस रिएक्शन को मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालता हूँ। जी देखिए लड़की का रिएक्शन, जी देखिए ना, जी खुश हो गए ना, इसका मतलब पोर्ट्रेट अच्छा बना। उसकी फ्रेंड नरलेप ने भी स्केच की तारीफ़ की, और उसके बाद जो लड़की थी जिसका पोर्ट्रेट बनाया उसने उसकी पिक भी ली।